बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं करीब 6 बजे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है ना। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं और मम्मी घास लाने गए थे, तो थोड़ा सा ही ला पाया मैं, बिकॉज बारिश होगी बहुत तेज, तो हमें घर आना पड़ा। हम भी भीग गए और घास भी बिक गया। तो अभी गाइस पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे पूजा के बाद। पूजा हो चुकी है और अभी बाहर आपने देख लिया होगा कि धूप, सुबह बारिश हुई थी, अभी धूप है। तो चलो भी बाहर चलते हैं। तो गाइस कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। सुबह बारिश हुई थी, अभी धूप आ गई है, तो सही है भाई। और गाइस जो सुबह हम घास नहीं ला पाए थे, तो अभी मैं इस घास को काटूंगा, यहाँ से पूरा काट दूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पर ब्लॉक भी करता हूँ ना, तो ये अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको काट दूंगा। तो मिलते हैं आपसे इसको काटने के बाद। तो बाद गाइस ये इतना घास काट दिया है हमने और इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अभी आधा बाकी है, तो उसको बाद में करेंगे। पहले इस घास को
वहाँ पर रख कर आते हैं पशुओं को खाने के लिए लिए। और फिर अभी मुझे लग रही है भूख, तो मिलते हैं आपसे लंच पर। तो भाई भाई जो अभी लंच भी हो चुका है, अभी धूप तेज हो रही है, तो चलो भाई बैलों को पानी पिलाते हैं और अंदर बांधते हैं। तो चलो और मिलते हैं फिर आपसे बैलों को अंदर बांधने और पानी पिलाने के बाद। तो गाय जो मैंने पशुओं को भी अंदर बांध दिया है और उनको घास भी दे दिए है खाने के लिए, जो वो सुबह भी लाई थी और अभी लंच करने से पहले भी काटी थी वो भी दे दिए। बाकी थोड़ी बहुत बच गई है, उसको शाम के टाइम जब इनको बाहर बांध देंगे, जब धूप नहीं होगी तो बांध देंगे इनको बाहर, तो जो बची है वो भी देंगे। फिर शाम के टाइम और भी लाएंगे काट कर। तो अभी तो वो खैर धूप हो रही है, तो अभी तो ये जो मारे जो तब बच गई थी घास, मैंने कहा था कि इसको बाद में काट लेंगे, तो उसको शाम को काटेंगे, अभी तो धूप हो रही है अभी नहीं काट सकते। तो गाइज कल मैंने ब्लॉक इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरे इस तरफ दांत में दर्द हो रही है और अभी वो बहुत तेज हो गई है, अभी बात भी नहीं कर सकता मैं ढंग से, तो शायद मैं इस ब्लॉक को बीच में ही एंड कर दूं, तो उसके लिए सॉरी। बाय द वे मिलते हैं आपसे। तो गाइस जो अभी आ गया हूँ मैं रूम में बिकॉज दांत में अभी भी दर्द हो रही है, तो अभी मैं सो जाऊंगा शाम तक। तो मिलते हैं आपसे शाम को, फिर आपको शाम को बताएंगे कि अभी हो रही है दांत में दर्द की नहीं। बाद में अभी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, अब शाम को देखते हैं दर्द होगी कि नहीं होगी। तो मिलते हैं आपसे शाम को। तो बाय द वे गाइस जो अभी भी दांत में बहुत दर्द हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहा ही लेते हैं, बाहर धूप हो रही है, तो अभी तो धूप चली गई, तो अभी सोच रहे हैं कि नहा ही लेते हैं बिकॉज मैं रेडी हूँ नहाने के लिए बस। तो अभी देखते हैं नहा पाते हैं कि नहीं नहा पाते, तो अगर नहाए तो मिलेंगे आपसे नहाने के बाद, अगर नहीं नहा पाए धूप चली गई या बादल आ गए तो भी मिलेंगे आपसे अगर नहीं ना पाए। तो गाइस जो अभी नहा गए हैं और अभी जा रहे हैं रूम में, तो अभी मिलते हैं आपसे कपड़े बदलने के बाद। तो अभी गाइस जो कपड़े भी बदल लिए हैं और अब सो जाएंगे आराम से, और फिर मिलते हैं आपसे शाम को। बस गाइस जो शाम हो चुकी है और अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो अभी मैं सो के उठ गया हूँ, तो चलो गाइस बाहर चलते हैं। तो गाइस हम अपना बचा हुआ काम कंटिन्यू करते हैं, अभी वहाँ तक भी काटना है, फिर ऊपर भी काटेंगे थोड़ा सा, वहाँ तक काट दिया था मैंने कल, तो अभी वहाँ पर भी बाकी है तो उसको भी काटेंगे। तो बाय द वे गाइस जब भी आए हैं पेड़ से घास लेने बिकॉज वो भी काटेंगे, पर पहले पेड़ का घास ले जाते हैं घर, क्योंकि ऐसा है ना इस पेड़ की वजह से खेत में बारिश का पानी नहीं गिरता है, तो इसको इसकी टहनियाँ उतनी काटेंगे जितनी से बारिश का पानी खेत में गिर जाए। और हमारी इस तरफ भी मक्की उग जाए, आप देख ही सकते हो कि इस तरफ उग चुकी है और इस तरफ अभी नहीं उगी है, ये रीजन है कि यहाँ पर बारिश का पानी नहीं गिर रहा, वहाँ पर गिर रहा था तो वो वहाँ पर उग गई, तो अभी यहाँ पर नहीं गिर रहा है, तो इसलिए इस पेड़ की टहनियाँ काट रहे हैं, इन दोनों की काट दी है। अभी ये देखो ये इतना बड़ा पेड़ बाकी है, इस तरफ की काटेंगे बाकी इसको रहन देंगे। तो बाय द वे गाइस अभी मैं जमीन से करीब 2 या 3 फीट ऊपर हूँ, और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं 3 फीट ऊपर हूँ जमीन से और ये मच्छर यहाँ भी तंग कर रहे हैं मुझे ये, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो
गाय जी, ये काम कंप्लीट हो चुका है। जितना मैं करना था उतना ही पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अभी जा रहा हूँ मैं घास काटने। तो चलो गाय जी, मिलते हैं अब आपसे घास काटने के बाद। बाय द वे गाइस, जो वो जो पेड़ वाला घास लाया था वो ही देंगे अभी हम बैलों को। अभी मैं घास नहीं काट रहा हूँ क्योंकि बिकॉज मेरा दोस्त आ रहा है ना, वो उसको मैंने कोई काम है वो करने के लिए बुलाया। आपको भी दिखाएंगे कि वो क्या काम करने आ रहा है। तो चलो गाइस, जो उसको लेके आते हैं, वो आधे रास्ते में आ चुका है। तो चलो गाइज, हमारा दोस्त आ चुका है। तो चलो अभी इसको लेकर घर चलते हैं। बाय द वे गाइस, जो मेरा दोस्त भी जा चुका है, उसने अपना काम खत्म कर दिया और वो चला गया। तो अभी अंधेरा हो रहा है, अभी उसको घर पहुंचने में करीब आधा घंटा लगेगा। उसको अपने घर पहुंचने में लगेगा आधा घंटा। तो आधे घंटे बाद मैंने कहा है घर पहुंचते कॉल करना, तो वो घर पहुंचते कॉल करेगा। और अभी फिलहाल चल रही है डिनर की तैयारी। तो मिलते हैं आपसे डिनर पर, नहीं सॉरी, डिनर के बाद। तो बाय द वे गाइस, डिनर हो चुका है और मम्मी पापा सो गए हैं। और आज 3 दिनों बाद पापा ड्यूटी से आ गए हैं और अभी मैं भी सो जाऊंगा। फिलहाल अभी मुझे एडिटिंग करनी है ना, तो अभी मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइज, कमेंट जरूर से कर देना कि मेरे ब्लॉग कैसे बन रहे हैं, आपको कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग, कमेंट में जरूर बता देना। तो मिलते हैं गाइज जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।